दुर्ग के हृदय स्थल मार्ग गौरव पथ सिविल लाइन उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा पर चल रहे सड़क डामरीकरण कार्य पर भाजपा नेता ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। दुर्ग शहर में हो रहे विकास कार्यों के चलते सड़क डामरीकरण कार्य भी तेजी गति से कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 5,44,00,000 रुपए की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी रोड का डामरीकरण किया जा रहा है, जो दुर्ग के गौरव पथ सिविल लाइन उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा तक सड़क डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर किए जा रहे विकास कार्यों पर सवालिया निशान लगाते हुए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने हो रहे बेतरतीब सड़क डामरीकरण कार्य पर सवालिया निशान लगाया है और शहर विधायक अरुण वोरा पर आरोप लगाते हुए किए जा रहे कार्यों पर भ्रष्टाचार का असर बताया है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। दुर्ग शहर के गौरव पथ पे जो कभी इस शहर की सबसे सुंदर सड़क हुआ करती थी, इस सड़क को नाम लिखाने के फेर में स्थानीय विधायक अरुण वोरा जी ने इस सड़क के पेड़ों को कटवा दिया और उसके बाद में कतिपय लोगों के दबाव में आकर चौड़ीकरण भी नहीं कराया गया। डामरीकरण की स्थितियां आप देख रहे होंगे, कहीं 7 मीटर, कहीं 5 मीटर, कहीं 3.5 मीटर इस तरीके की डामरीकरण कराया गया, जो बिल्कुल भी तकनीकी सम्मत नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सड़क में केवल और केवल भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका लाभ दुर्ग शहर के लोगों को नहीं मिलना है। 5 करोड़ रुपया माननीय विधायक जी ने केवल अपना नाम चमकाने के लिए इस सबसे अच्छी सड़क को तोड़ के खराब किया और डामरीकरण की स्थिति आप देख रहे हैं। जून का माह आने वाला है, बारिश आने वाला है, गर्मी में इसे कंप्लीट कर लिया जाना था। आपकी नीयत ही सही नहीं है तो काम कहाँ से सहेगा माननीय विधायक जी? आपके अपने लोग ठेकेदारी करते हैं, भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं। मैं मांग करता हूँ लोक निर्माण विभाग से कि इस विषय की हम जाँच कराएंगे और इसके साथ साथ इसकी गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।